हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इसरो साइंटिफिक असिस्टेंट के पेपर के नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास जो मैंने जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था 31 नंबर का क्वेश्चन। हालांकि मैंने आपको इसका आंसर भी बताया था कि नाबार्ड का फॉर्मेशन जो हुआ था वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। सो आई होप आप सभी लोगों ने आंसर याद भी कर लिया होगा कि आंसर क्या होगा, नरसिम्हन कमिटी। साथ ही साथ नाबार्ड के अलावा हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट बैंक भी है विच इज आरबीआई, और आरबीआई का फॉर्मेशन जिस कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया इसे भी आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और इस कमीशन का नाम था यंग हिल्टन कमीशन। तो नाबार्ड के साथ साथ हमारे पास आरबीआई का गठन किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया था उसका भी आंसर है हमारे पास, एंड इट वाज यंग हिल्टन कमीशन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, और आप में से जो भी बच्चे आईजीकेवी सीईटी के पेपर के एस्पायरेंट्स हैं, आपको बता दूं कि सीईटी 2018 में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का न्यूमेरिकल हिस्सा भी पूछा गया था। आईजीकेवी के द्वारा कंडक्टेड सीईटी के पेपर में 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के न्यूमेरिकल को पूछा गया था। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंक्रीमेंटल रिटर्न्स टू ऑफसेट द इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए उस पर्टिकुलर समय को क्या कहते हैं जिस समय अंतराल में आपने जितने पैसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे आपको वो वापस मिल जाए एज रिटर्न। सो ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है पे बैक पीरियड, और पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन हमेशा ईयर्स में किया जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, पे बैक पीरियड को वी रिप्रेजेंट इट एज कैपिटल पी, और पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आई अपॉन ई, जहां पर आई क्या है ये भी लिखना जरूरी है। तो आई जो है इट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में शुरुआती दौर में कितने पैसे लगाए थे, इट इज नोन एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और यहां पर ई क्या है तो इट इज कैश फ्लो पर ईयर। शायद आपको ये शब्द समझ में नहीं आया हो, कैश फ्लो पर ईयर, तो ध्यान रखिएगा कि कैश फ्लो का मतलब होता है वो सारा डेटा जिस डेटा की मदद से आपको ये पता चले कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो किसी पर्टिकुलर बिजनेस में किन किन माध्यमों से हुआ है। कैश का इनफ्लो मतलब कैश का आना, और आउटफ्लो मतलब ऑब्वियसली बात है डिडक्ट होना, किसी चीज का पेमेंट कर रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा कैश आउटफ्लो। इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करते हुए सीईटी 2018 में एक न्यूमेरिकल आया था। मैं नेक्स्ट क्लास में जब इसरो के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर लूंगी सो डेफिनेटली मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करूंगी। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर विच इज क्वेश्चन नंबर 33। आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर टीचर या फिर सीईटी या जेआरएफ की बात नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट अगर आप एएफओ की तैयारी कर रहे हो तो भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। सो आइए देखते हैं ये इकोनॉमिक्स के बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे कहते हैं थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री में हम एमपीपी, एपीपी और टीपीपी के बीच का रिलेशन चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर टीपीपी का मतलब है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एमपीपी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और एपीपी का फुल फॉर्म है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। फिलहाल क्वेश्चन पर आ जाते हैं बिकॉज इन तीनों का एक्सप्लेनेशन भी काफी लंबा होता है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि जोन टू यानी स्टेज टू ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में रिलेशनशिप बिटवीन एमपीपी एंड एवरेज पीपीपी क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जोन टू में एमपीपी इज लेस देन एपीपी, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा बिकॉज आप जैसा कि जान भी रहे होंगे कि हर एग्जाम में थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता ही है। सो इन जोन टू
The relationship between MPP and APP is that MPP जो होता है वो zone 2 में is always less than APP. इसके बाद हम आ जाते हैं next important question पर, जो कि है 34th number का question. So coming to 34th number का question, बहुत ही अच्छा question है और थोड़ा सा नया है. In multiple cropping, intensification of cropping is noticed. क्वेश्चन पूछ रहा है मल्टीपल क्रॉपिंग से और पूछ रहा है कि जो इंटेंसिफिकेशन करते हैं आप क्रॉप्स का वो किस पर्टिकुलर डायमेंशन में करते हैं. तो इसका आंसर होता है टेम्पोरल एंड स्पेशियल डायमेंशन. या टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम रिलेटेड थिंग्स एंड स्पेशियल शब्द का मतलब होता है स्पेस रिलेटेड थिंग्स. आई कम टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट ऑल्सो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के भी संदर्भ में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जो आप क्रॉप इंटेंसिफिकेशन करते हो वो किस किस डायमेंशन में करते हो. क्या आप केवल टाइम डायमेंशन को यूज करते हो या फिर आप स्पेस डायमेंशन को भी यूज कर रहे हो. सो इसका एक डिटेल क्लास में जल्दी ही लेकर के आऊंगी, पहले इस पर्टिकुलर पेपर का सोल्यूशन खत्म कर लें. आइए इसके बाद आ जाते हैं 35th नंबर के क्वेश्चन पर. सॉइल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन मोबाइल इम्प्लांट. उस न्यूट्रिएंट एलिमेंट का नाम बताएं दिए गए ऑप्शंस में से जो प्लांट में इन मोबाइल होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम. द आंसर विल बी व्हाट? सो इट विल बी कैल्शियम. नेक्स्ट कमिंग टू 36 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और पूछा ही जाता है. हाइब्रिड राइस वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1976 में हाइब्रिड राइस को रिलीज करने वाले कंट्री का नाम क्या था? सो द आंसर विल ऑब्वियसली बी चाइना. इसके साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि शायद आप सभी बच्चों को पता भी होगा, दैट फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किन्हें माना जाता है? तो ही इज वाई एल पिंग. किन्हें माना जाता है? वाई एल पिंग को. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगा होगा बिकॉज इसमें कोई कंसेप्ट है भी नहीं. इसके बाद हम आ जाते हैं 37th नंबर के क्वेश्चन पर. 37th नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टीनेज इज टर्म्ड एज. सो आंसर इसका हो जाएगा जीरो टीनेज. एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टीनेज क्या हो जाएगा? जीरो टीनेज. 38th नंबर का क्वेश्चन अगेन बहुत ईजी है. द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर along with irrigation water is known as. Irrigation water के साथ साथ जब आप fertilizers भी apply करते हो तो इस process को क्या कहते हैं? Fertigation. और अगर आप irrigation water के साथ herbicide का application करते हो तो इसे हम क्या कह देते हैं? Then we call it as herbigation. तो इस केस में हम क्या कहते हैं? Herbigation. इसके बाद coming to 39th number का question, ये भी बहुत ही अच्छा question है. क्वेश्चन पूछ रहा है अ पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड रिकमेंडेड इन पैडी फील्ड. तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 24D. ऑल्दो एक बार मैं क्रॉस चेक करके इसका ऑफिशियल आंसर की अगर मुझे मिल पाएगा तो डेफिनेटली मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगी. सो द आंसर शुड बी 24D. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40. 40वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है चेक करते हैं. आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन. आप जानते हैं कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है वाटर हेल्ड इन सॉइल बिटवीन 0.1 से 31 बार्स इज कॉल्ड एज. तो वाटर जो कि 0.1 से 31 बार्स के बीच में सॉइल में प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज कैपिलरी वाटर. और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि कैपिलरी वाटर इज अ वाटर का फॉर्म विच कैन बी यूज बाय प्लांट्स. प्लांट्स के द्वारा यूज होने वाला वाटर का कौन सा फॉर्म होता है? कैपिलरी वाटर. इसके अलावा हाइग्रोस्कोपिक और ग्रेविटेशनल वाटर जो है ये अनअवेलेबल फॉर्म्स ऑफ वाटर होते हैं प्लांट्स के पर्पस के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट कमिंग टू 41st नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉइल साइंस से रिलेटेड है. मोस्ट परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट. परसिस्टेंट मतलब जो लंबे समय तक बना रहे उसका डिग्रेडेशन जल्दी से नहीं हो पाता हो, ऐसी चीजों को हम परसिस्टेंट कहते हैं. और मोस्ट परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट इन सॉइल इज हैवी मेटल. हैवी मेटल्स में वी हैव मर्क्यूरी, इसके अलावा लेड वगैरह जितने भी होते हैं, कैडमियम इनफैक्ट,
ये सब के सब हैवी मेटल्स होते हैं और ये सबसे परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट माने जाते हैं सॉइल में, क्योंकि इनको डिग्रेड होने में काफी लंबा समय लग जाता है. नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट इज द मीडियम स्टेटस ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल. सो मीडियम, आप जैसा कि जानते हैं कि अवेलेबिलिटी के आधार पे हम हर न्यूट्रिएंट को लो स्टेटस, मीडियम स्टेटस और हाई स्टेटस ऑफ सॉइल में डिवाइड करते हैं. न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है अगर किसी सॉइल में तो लो स्टेटस, अगर ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा है देन मीडियम स्टेटस, और नॉर्मल से ज्यादा है देन हाई स्टेटस ऑफ सॉइल. सो मीडियम स्टेटस ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल तभी होता है व्हेन द अवेलेबल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज बिटवीन 250 से लेकर के 500 केजीज पर हेक्टेयर. इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही नया होगा आप में से मैक्सिमम बच्चों के लिए, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू फॉर वेल ड्रेन्ड सॉइल. एक ऐसा सॉइल जिसमें ड्रेनेज का प्रॉब्लम ना हो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है. तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे सॉइल्स जो कि पूरी तरह से ड्रेनेज शो करते हैं उनमें ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वाटर लॉग्ड कंडीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे सॉइल्स का रेडॉक्स पोटेंशियल हमेशा 300 से ज्यादा होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि रेडॉक्स पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है. रेडॉक्स पोटेंशियल एक ऐसा कंसेप्ट है सॉइल साइंस में जो हमें किसी पर्टिकुलर सॉइल के ऑक्सीडाइज्ड होना या रिड्यूस्ड होने का आइडिया देता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रेडॉक्स पोटेंशियल की मदद से हमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी समझ में आती है सॉइल में. सो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कहा 300 से ज्यादा, सो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो जाना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन नंबर सी, 400 से 700. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44 नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट, सॉइल साइंस में फर्टिलाइजर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है. क्वेश्चन है नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला आप चाहें तो नोट डाउन कर लें बिकॉज एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है. अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का परसेंटेज इज अराउंड 25.5%, याद रखने वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल इन सॉइल ऑफ अल्कलाइन पीएच. ऐसा कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो अल्कलाइन पीएच में सॉइल में आसानी से अवेलेबल हो पाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम. क्या आंसर हो जाएगा, मॉलिब्डेनम. नेक्स्ट आ जाते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन पर. आइए देखते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है सीएन रेशियो ऑफ ह्यूमस इज. ह्यूमस का सीएन रेशियो कितना होता है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10:1. हालांकि रेंज है 10 से 1 से लेकर के 12:1, बट यहाँ पर 10:1 ले लेते हैं. ऑल्दो एक बार ऑफिशियल आंसर की को भी चेक करना जरूरी है कि वहां पर क्या आंसर लिया गया है, फिलहाल इसको 10:1 मान करके चलते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पर. क्वेश्चन पूछ रहा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज जीरो व्हेन लिंकेज इज. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जीरो कब होगा, किस तरह के लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो हो जाती है, मतलब रिकॉम्बिनेशन का नामो निशान ही नहीं होगा. सो ध्यान रखिएगा ऐसा केस कहलाता है कंप्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन का कोई चांस नहीं बनता है एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड एज जीरो. इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे. क्वेश्चन है डीजीओवूजेन, जिसको शॉर्ट में डीजीडब्ल्यूजी जीन भी कहा जाता है, किस क्रॉप से रिलेटेड है. आई होप आप सभी को पता है इट इज रिलेटेड टू राइस. ये राइस से रिलेटेड किस तरह का जीन है, ड्वार्फिन जीन. इट इज अ ड्वार्फिन जीन रिपोर्टेड इन द केस ऑफ राइस. नेक्स्ट कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 49th नंबर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन पूछ रहा है द फॉलोइंग डिस्कवरी वॉज मेड इन द ईयर 1953 में इनमें से कौन सी डिस्कवरी की गई थी. सो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दिया गया था इन द ईयर 1953. किनके द्वारा दिया गया, तो दो बड़े ही फेमस साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक. और इन्होंने किस फॉर्म ऑफ डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था बी डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस वॉज अचीव बाई, इन विट्रो का मतलब है लेबोरेटरी कंडीशन में सबसे पहली बार डीएनए की सिंथेसिस किन्होंने की थी. सो द आंसर विल बी कॉर्नबर्ग. आर्थर कॉर्नबर्ग ने सबसे पहली बार डीएनए की सिंथेसिस आर्टिफिशियली की इन लेबोरेटरी, जिसे हम कह देते हैं इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए. इसके बाद आ जाते हैं 51st नंबर के क्वेश्चन पर. ये लास्ट के दो क्वेश्चंस होंगे जो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ. क्वेश्चन पूछ रहा है अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन शुगर केन कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉसिंग शैकरम ऑफिसिनारम विथ रिलेटेड स्पीशीज फॉलोड बाय बैक क्रॉसिंग. इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ही तो शुगर केन में क्या कहा जाता है, नोबिलाइजेशन. लास्ट क्वेश्चन एग्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये नया क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाइट सीडेड सीसम यानी तिल की वैरायटी रिलीज्ड फ्रॉम केएयू केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. सो इसका आंसर हो जाएगा थीलोथ्रमा. सीसम से रिलेटेड दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, एक है सीसम में लगने वाला एक इम्पोर्टेंट डिजीज विच इज फाइलोडी और दूसरा सीसम में लगने वाला एक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट जिसका नाम है THM एंड द फुल फॉर्म इज तिल हॉक मॉथ. तिल हॉक मॉथ. सो कभी भी सीसम पढ़े आप इन दोनों को कभी इग्नोर ना करें बिकॉज फिलोडी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. फिलोडी एक ऐसा डिजीज है जो माइकोप्लाज्मा से होता है या फिर आप बेहतर कहें फाइटोप्लाज्मा. और फिलोडी नाम का माइकोप्लाज्मा डिजीज ट्रांसमिट होता है हॉपर्स के द्वारा. साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट भी है विच इज नोन एज तिल हॉक मॉथ. आई होप आप सभी को आज का क्वेश्चन आंसर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू सो मच.